फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सौरभ। मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया। अभी तक हमने काफ़ी मेडिसिन डिस्कस की। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, रिमेटिज्म जिसे कहते हैं। दोस्तों, जॉइंट पेन्स, मस्कुलर पेन अक्सर हम लोग को जॉइंट्स में हो जाता है। कोई भी जॉइंट हो, उसमें हमें अक्सर दर्द रहता है, बहुत परेशानी रहती है, बहुत तकलीफ़ होती है चलने में या बैठने में, उठने में, हर जगह। तो दोस्तों, आज इसका छोटा सा डिस्कशन यही हम करेंगे, और इसका मैनेजमेंट क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, आज यही छोटी सी डिस्कशन है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। आर्थराइटिस ऑस्टियोपोरोसिस या डिजेनरेशन ऑफ बोन्स। कभी कभी ऐसा होता है कि बोन डिजेनरेशन की वजह से या फ्लूइड कम होने की वजह से, आम भाषा में जैसे बोला जाता है, तो हमें जॉइंट्स में पेन होने लगता है, या कभी चोट लगती है तो पेन होने लगता है। जॉइंट पेन के बहुत से कारण हैं, लेकिन जनरली जो होते हैं वो एज की वजह से भी होते हैं। तो दोस्तों, जब जॉइंट पेन हो तो हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, छोटा सा मैनेजमेंट आप ये करिए कि जब जिस जगह जॉइंट में पेन हो, उस जगह आपको इंस्टेंटली कोई भी चीज़ हो, तो आप कुछ भी ठंडा पानी अगर हो रहा हो या ठंडी चीज़। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि चलने से दर्द होता है, चलने से दर्द होता है, बैठने से रिलीफ मिलता है। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि चलने से रिलीफ मिलता है, बैठने से दर्द होता है, जब घुटनों में दर्द होता है। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग लोगों का वो है। तो ऐसे कंडीशन में कभी कभार ऐसा होता है कि जो बर्फ़ होती है ना, तो बर्फ़ आप उस जगह जब आपको कुछ ना मिले, तो उस समय की छोटा सा मैनेजमेंट है, आप बर्फ़ को एक कपड़े में बांध के उस जगह थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं। जब आपको जॉइंट पेन हो रहा है या मस्कुलर पेन हो रहा है, थोड़ी देर के लिए रखिएगा दोस्तों, बहुत ही रिलीफ मिलेगा, इससे बहुत ही फ़ायदा है। तो दोस्तों, डायरेक्ट मत रखिएगा, कपड़े में बांध के रखिएगा, सूती कपड़ा कोई भी हो घर में आप रख सकते हैं। दोस्तों, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये हम छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो दोस्तों, मार्केट में एक मेडिसिन आती है, जर्मन कंपनी की है, एडल 26 नाम से आती है, आपको दिख रहा होगा शायद, एडल 26, एडल नंबर 26। इसको ऑसरिजिन कहते हैं। ये आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, डिजनरेशन ऑफ बोन्स सबके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही अच्छा वर्क है इसका। इसकी कीमत है 235 रुपये लगभग, और इसको 15-15 बूंद, अगर आपको ज़्यादा दर्द है तो कम से कम दिन में 3 बार पीजिए, 15-15 बूंद। और इसके साथ में दोस्तों, एक टैबलेट आती है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 19, ये आप कम से कम चार चार गोली, छोटी छोटी टैबलेट्स होती हैं, चार चार गोली कम से कम दिन में 4 बार लीजिए, और इसकी कीमत है लगभग 150 रुपये है। और इसके साथ एक स्प्रे आता है, या मसाज ऑयल कह लीजिए, ये ऑर्थोमूव नाम से आता है, लोकली ऊपर से लगाने के लिए, ऑर्थोमूव नाम से आता है, ये SBL कंपनी का है, ऑर्थोमूव नाम से SBL कंपनी का है ये, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसकी कीमत है लगभग 90 रुपये, मैं आपको खोल के दिखा दे रहा हूँ। ये स्प्रे कुछ इस तरह का आता है, ये स्प्रे कुछ इस तरह का आता है, और आपको जब यूज़ करना होगा तो आप इसको ऊपर का ढक्कन खोल के इस तरह से लोकल एरिया में, आपको जिस जगह आपको पेन हो रहा है, जिस जगह जॉइंट पेन हो रहा है, जिस जगह मस्कुलर पेन हो रहा है, लोकल एरिया में आपको स्प्रे कर देना है। दोस्तों, इसमें बहुत ही अच्छी मेडिसिन हैं, आर्निका, गोथेरिया, हर चीज़, एवरी मेडिसिन आर अवेलेबल इन दिस, सारी मेडिसिन इसमें है। इसमें बहुत ही अच्छा लोकल का रिस्पॉन्स है, और बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। दोस्तों, ये दो मेडिसिन, ये ड्रॉप्स, ये टैबलेट्स और ये स्प्रे, ये तीनों दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। अगर आपको कभी भी मस्कुलर पेन हो, जॉइंट पेन हो, चाहे जिस तरह का पेन हो, कोई भी दर्द हो, आपको बहुत ही अच्छा लोकल एरिया में स्प्रे करना और टैबलेट्स लेना और ड्रॉप्स लेना, ये तीनों चीज़ बहुत ही अच्छा वर्क करेगी, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है इसका दोस्तों। होप कि आपको क्या कहते हैं, इससे बहुत ही रिलीफ मिलेगा। दोस्तों, बहुत ही अच्छी मेडिसिन हैं ये सब, और इसमें मेडिसिनल पावर है, आपको इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स है। तो दोस्तों, होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इससे लाभान्वित होंगे। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए शुक्रिया। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।